Hello Alright, hello my beautiful students. Welcome back. This is the platform of Physics Wala and your very own pace patch, and I'm yours truly Tina Chopra, your zoology mentor. So, how are you guys? We are you feeling confident? We have almost completed three chapters of human physiology. This is lecture number three of the third chapter, guys. That is excretory products and elimination. राइट right, हमने रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया सर्कुलेशन कंप्लीट कर लिया और एक्सक्रीटरी में भी पिछले दो लेक्चर्स में हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पढ़े हैं कैसे बनते हैं कहाँ बनते हैं हमारे अंदर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से चीफ रेस्पिरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कि इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को एलिमिनेट करने में लगे हुए हैं ब्लड को फिल्टर करने में लगे हुए हैं right? राइट एंड बिकॉज वी आर बेसिकली स्टिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी तो हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डिटेल में किया है किडनी द चीफ ऑर्गन राइट स्टार्टर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी स्टार्टर्ड नेफरॉन द यूनिट ऑफ किडनीस राइट और कल के लेक्चर में हमने यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी देख लिया था ठीक है वी हैव रेड इट ऑल कि कैसे ग्लोमेरुलस में और बोम कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है उसके बाद फिर जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे उनको कैसे ब्लड में वापस डाला जा रहा है इन री एब्सॉर्प्शन एंड देन वी हैव ट्यूबुलर सिक्रीशन की जोर लगा के यानी एटीपी यूज करके कैसे ब्लड में से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल निकाल के नेफ्रॉन में डाल रहे हैं ताकि बॉडी उसे निकाल सके ठीक है और फिर भी ब्लड को सॉरी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ब्लड लेवल मेंटेन करने के लिए लूप ऑफ हिले और वासा रेक्टा कैसे काउंटर करंट मैकेजम चला रहे हैं वी हैव रेड एट ऑल राइट लेकिन कल मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी कि पीसीटी और लूप ऑफ हिले के अंदर जो री एब्जॉर्प्शन होनी है वो होनी ही होनी है लाइक कोई और चारा है ही नहीं सो दैट इज कॉल्ड ऑब्लीगेटरी री एब्जॉप राइट वाइल इन केस ऑफ डी सी टी एंड सी टी जो री एब्जॉपन है दैट इज फैकल्टेटिव यानी जरूरत के हिसाब से होगी क्लियर तो आज हम यही देखेंगे कि वो रेगुलेशन कैसे होती है कि कौन सी वो जरूरतें हैं जिसमें कि डीसीटी और सीटी में से भी रीएब्जॉर्प्शन को कंटिन्यू किया जाएगा और कैसे मैसेज पहुंचेगा डीसीटी और सीटी को और कौन मैसेज भेजेगा कि अब तुम भी रीएब्जॉर्प्शन करो आई यू गेटिंग दिस सो दट मेन टॉपिक फॉर टूडे इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन क्लियर सो लेट्स की रेगुलेशन कैसे होती है नंबर वन ये रेगुलेशन जो है ये होती है फीडबैक मैकेजम से ये कैसे होगी फीडबैक मैकेनिज्म से फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब अपने आप नहीं होने वाली कोई ना कोई मैसेज आएगा राइट right? जैसे आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक भेजते हो जिससे हमें पता लगता है दैट वी आर डूइंग वंडरफुल जॉब एंड वेयर वी नीड टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स राइट एंड वी इंप्रूव अकॉर्डिंगली राइट उसी तरह से यहां किडनी को भी मैसेज भेजा जाएगा कौन कौन मैसेज भेज सकता है किडनी को मैसेज भेज सकता है आपका हाइपोथलमस स हाइपोथालमस सोचते ही हमें थर्मो रेगुलेशन याद आती है बट हाइपोथालमस और बहुत सारे वंडरफुल रोल्स प्ले करता है ठीक है दूसरा नहीं पढ़ा टूडे वील बी रीडिंग अबाउट दैट एज वेल एंड नंबर थ्री हार्ट द पंपिंग ऑर्गन तो हार्ट का यहां पे हमें पंपिंग एक्शन के अलावा एक और रोल देखने को मिलेगा एंडोक्राइन रोल सो हार्ट कैन प्रोड्यूस अमोन एज वेल राइट तो ये तीन अलग अलग ऑर्गन ये स्ट्रक्चर्स जो है ये किडनी फंक्शन को रेगुलेट करेंगे ठीक है बॉडी से मैसेज जाएगा इनको और इनका मैसेज जाएगा किडनी को एंड देन ऑल ऑफ देम दे आर गोइंग टू वर्क टुगेदर टू रेगुलेट द किडनी फंक्शन इज इट क्लियर तो तीन हॉर्मोन्स का रोल आता है क्योंकि अल्टीमेटली अपना मैसेज किडनी तक कैसे पहुंचाएंगे खुद तो चल के जा नहीं सकते फाइन तो एक का दूसरे ऑर्गेन तक जब भी मैसेज पहुंचता है दैट इज ऑलवेज थ्रू अ केमिकल आर नोन एज तो तीन हारमोन का हमने रोल देखना है एडीएच रास एंड ए एन एफ इज क्लियर चलो तो एक एक करके इनको स्टडी करते हैं लेट स्टार्ट विद एडीएच पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं तो एडीएच स्टैंड एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन एक्र एंटी डाय यूरिटिक हॉर्मोन अब देखो एंटी का मतलब तो सबको पता है मीन ऑपोजिट राइट डाय यूरेटिक वर्ड कम्स फ्रॉम डाय यूरेसिस डायूरेसिस डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन ठीक है डायूरेसिस मीन एक्सेसिव यूरिनेशन एक्सेसिव यूरिनेशन होगी तो वॉटर लॉस ज्यादा होगा अब ये जो एडीएच है ये एंटाई है ठीक है दिस इज अगेंस्ट एक्सेसिव यूरिनेशन तो ये क्या करने वाला है ये एक्सेसिव यूरिनेशन को रोकेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड सॉरी ब्लड में से वॉटर का लॉस ना हो फाइन बॉडी में से वॉटर का लॉस ना हो और बॉडी में से वॉटर लॉस नहीं होगा तो वो बॉडी के अंदर वॉटर कंजर्व रहेगा इज वैट क्लियर सो इट इज गोइंग टू डिक्रीज योर यूरिनेशन इट इज गोइंग टू प्रिवेंट एक्सेसिव वॉटर लॉस फ्रॉम द बॉडी तो दिस इज नंबर वन फंक्शन यहां से हमें फंक्शन पता लग गया इसका फंक्शन वन इट इज गोइंग टू प्रिवेंट प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वॉटर प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वॉटर इन यूरीन ठीक है सो अगर वॉटर का यूरीन में लॉस नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर वॉटर लेवल इज बींग मेंटेन्ड ठीक है सो ये कैसे करता है ये डी हमने अभी कल पढ़ा था कि डी और कलेक्टिंग ट्रिब्यूल्स के अंदर जो री एब्जॉर्प्शन है वो जरूरत के हिसाब से चेंज की जा सकती है फैकल्टेटिव है तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द री एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर री एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर इन डी सी टी एंड कलेक्टिंग ट्रिब्यूल्स इन डी सी टी

वेसल ब्लड वेसल ठीक है प्रेसन का मतलब दबाना प्रेस करना जब आप वेसल को दबा दोगे तो आप क्या कर रहे हो उसका एरिया कम कर रहे हो वेजो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो एरिया कम होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ठीक है सो वेजो प्रेसन वेजल का कंस्ट्रक्शन करवाएगा प्रेस करेगा इज ए क्लियर सो थर्ड फंक्शन ऑफ एडीएच और वेजो प्रेसन इज दट इज जस्ट गोइंग टू वेजो कंस्ट्रेक्ट ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन कराएगा ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज इज क्लियर तो यहां से पता लग रहा है कि ये चीजें कब कब बनने वाली हैं देखो ये कब रिलीज होगा एडीएच या वेजोप्रेसन का जो रिलीज है कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टिमुलेट कर सकते हैं सो दे आर सिक्रीटेड अंडर द कंडीशन सिक्रीटेड अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस ठीक है नंबर वन आपकी बॉडी में से ऑलरेडी काफी पानी निकल चुका है ठीक है तो और ज्यादा पानी हम यूरिन के थ्रू निकालना अफोर्ड नहीं कर सकते ठीक है तो उस सिचुएशन में ये एडीएच आ जाता है कि अब कम से कम यूरिन के थ्रू तो पानी मत निकालो ठीक है और कौन से सिचुएशन में पानी निकल चुका है वाटर वाटर लॉस हो सक, हो चुका है काफी वाटर लॉस एक्सेसिव हो चुका है कब हो सकता है वाटर लॉस एक्सेसिव जैसे स्वेटिंग के दौरान डायरिया के दौरान राइट कॉलरा के दौरान सो ऐसी सिचुएशंस में यूरिनेशन जो है वो कम की जाती है इनफैक्ट अगर किसी को कॉलरा हो जाए यानी वॉमिटिंग भी हो रही है बहुत ज़्यादा और लूज मोशंस भी हो रही हैं डायरिया भी हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में कई बार यूरिनेशन बिल्कुल बंद हो जाती है एंड दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट तो बन रहे हैं उसको निकाला ही नहीं जा रहा क्योंकि बॉडी को अपनी पड़ी हुई है वॉटर को कंजर्व करने की Right? तो उस सिचुएशन में में क्या होता है 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 ब्लड के अंदर यूरिया लेवल बढ़ता जाता ठीक चलो उस पे बाद में आएंगे But in any case, अगर कम वाटर का लॉस हो तो कौन आएगा एडीएच <coughs> अब इसको रिलीज कौन करता है इट इज रिलीज बाय देखो सबसे पहले तो इसको प्रोड्यूस कौन करेगा हर हार्मोन का कोई ना कोई सिक्रिटरी होगा ऑर्गन होगा जो उसको बना रहा है तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथालमस प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथालमस एज आइपोथालमस प्लेज लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ रोल्स ठीक है अब बनाता तो हाइपोथालमस है लेकिन हाइपोथालमस डायरेक्टली रिलीज नहीं कर सकता ब्लड में ठीक है हाइपोथालमस से आगे प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी सो इट इज सिक्रीटेड बाय

इज दैट क्लियर सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट तो ये है फीडबैक देखो जैसे ही ब्लड के अंदर वाटर लेवल कम हुआ जैसे ही ब्लड के अंदर वाटर लेवल कम हुआ वैसे ही हमारी जो हाइपोथालमस है ये एडीएच बना देगी और ये जाके डीसीटी और सीटी को बोल देंगे कि तुम अब वाटर और ज्यादा रीअब्सॉर्ब करो यूरिन में हम और ज्यादा वाटर रिलीज करना अफोर्ड नहीं कर सकते ठीक है बट अब बात यह आती है कि ब्लड के अंदर वाटर लेवल को चेक कौन करेगा सो नाउ सी हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स जो ऑस्मोलॉरिटी चेक करते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स इन बॉडी दे डिटेक्ट द ऑस्मोलारिटी ऑफ ब्लड नॉर्मल ऑस्मोलारिटी कल हमने पढ़ी थी ऑस्मोलारिटी नॉर्मल ऑस्मोलारिटी ऑफ ब्लड इज 300 हंड्रेड मिली ऑस्मोलीटर ठीक है जब ये ऑस्मोलारिटी 300 से बढ़ने लगती है ठीक है जब 300 से बढ़ने लगती है ना सी डिटेक्ट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है केस नंबर वन केस नंबर वन वेन ऑस्मोलारिटी इंक्रीजेस ऑस्मोलॉरिटी इंक्रीज करने का मतलब ब्लड के अंदर सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज हो रहा है ब्लड क्या हो रहा है हाइपरटोनिक हो रहा है ठीक है हाइपरटोनिक हो रहा है कॉन्सेंट्रेट हो रहा है पानी की कमी हो रही है है ना ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी डिटेक्ट द ऑस्मोल्टी ऑफ वॉटर सो वेन ऑस्मोलाटी इंक्रीजेस सॉल्ट कंटेंट इंक्रीजेस हाइपरटोनिक हो रहा है या फिर वॉटर लेवल डिक्रीजेस ठीक है तो ये ऑस्मोलाटी को इन्होंने डिटेक्ट कर लिया ऑस्मो रिसेप्टर्स ने और ये सिग्नल भेजते हैं दे सेंड सिग्नल टू हाइपोथेलमस सेंड सिग्नल टू हाइपोथलमस और तुम्हें पता है हाइपोथलमस क्या बना देगा एडीएच राइट हाइपोथालमस प्रोड्यूज एडीएच रिलीज नहीं करेगा इट विल प्रोड्यूस एडीएच ठीक है और रिलीज कौन करेगा हाइपोथाल किस को भेज देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज इट पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज दैट एडीएच एक्ट क्लियर ऑल राइट अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने एडीएच बना दिया और ये एडीएच जाके किसको बोलता है इट विल इंक्रीज द वॉटर पर्मेबिलिटी ऑफ डी सी टी एंड सी टी ठीक है सो इट विल इफेक्ट हैव एन इफेक्ट ऑन इफेक्ट डी सी टी एंड कलेक्टिंग टिब्यूज और उसमें से वॉटर रीअब्जॉप्शन को इंक्रीज कर दिया जाता है वॉटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज कहाँ से फ्रॉम डी सी टी एंड सी टी अब डीसीटी और सीटी ने जब वाटर रि करके ब्लड में डाल दिया तो इसका मतलब यूरिन के थ्रू वाटर कम निकलेगा सो लेस वाटर इज रिलीज इन यूरिन तो यूरिन का अमाउंट उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा लेस यूरिन फॉर्मड इज ए क्लियर सो ज्यादा यूरिन बनना ज्यादा यूरिनेशन होना diuresis. ये क्या कर रहा है यूरिनेशन कम कर रहा है एंटी डायोरिटिक

राइट ड्यूरिंग समर्स एज आइव टोल्ड यू ड्यूरिंग समर्स ये देखो ड्यूरिंग समर्स स्वेटिंग ज्यादा हो रही है या किसी को डायरिया हो गया तो वॉटर लॉस ज्यादा हो रहा है ऐसी सिचुएशन में क्या बन जाएगा ये एडीएच बन जाएगा एडीएच इज प्रोड्यूस्ड क्लियर सो दिस हैपन्स ड्यूरिंग समर्स इसीलिए समर्स में लेस यूरिनेशन होती है अब आ जाओ सर्दियों में तो सर्दियों में क्या होगा अब इन विंटर्स ज्यादा वाटर का लॉस नहीं हो रहा ठीक है तो ऑस्मो रिसेप्ट डिटेक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक ऑस्मेल चल रही है बॉडी का वॉटर लेवल है फाइन सो वेन वॉटर लेवल इज नॉर्मल वॉटर लेवल इज नॉर्मल ऑस्मल नॉर्मल है ऑस्मेलार्टी कितनी होनी चाहिए थ्री हंड्रेड ठीक है तो उस सिचुएशन में हाइपोथालमस को अगेन मैसेज पहुंचता है कि भाई अब ठीक है तो हाइपोथालमस इज नॉट गोइंग टू तो प्रोड्यूस एडीएच बी नो एडीएच एडीएच का मतलब वॉटर लॉस इन लॉस्ट इन यूरिन इसीलिए सर्दियों में दिस इंप्लाइज मोर यूरिनेशन और ये कब होगा इन विंटर्स इज द्लियर इसीलिए विंटर्स में ज्यादा यूरिनेशन होती है ड्यूरिंग विंटर्स तो आपको कोई बार क्वेश्चन आ जाता है वाई देर इज एक्सेसिव यूरिनेशन इन विंटर्स यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस ड्यूरिंग विंटर्स Is that clear? चलो उसके बाद अब हम देखते हैं सेकेंड केस जिसमें फंक्शन को कैसे रेगुलेट करता है अभी तक हमने देखा है कि यूरिन के अंदर वॉटर कितना निकलेगा यह कैसे रेगुलेट किया जाता है ठीक है सेकेंड इज रास मैकेजम सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी द फुलॉर्म रास टैंस फॉर रेन इन एंजियोटेसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम ठीक है एल्डोस्टिरोन सिस्टम बिफोर आई प्रोसीड यहां पर एक चीज याद रख लेना ये जो रेनन है इसमें सिंगल एन आएगा एक डबल एन वाला रेनन भी होता है ठीक है वो बच्चों में होता है एंड दैट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है तो ये याद रख लेना स्पेलिंग जहां बहुत इंपॉर्टेंट है डो नॉट राइट डबल एन इट इज सिंगल एन वाला ठीक है so, सो रेन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम बेसिकली दीज आर द्री हॉर्मोन्स क्लियर अब ये सारे हॉर्मोन्स कब रिलीज होते हैं ये सारे हॉर्मोन्स तब रिलीज होंगे जब हमारे केस में सो दिस मैकेटेड जब हमारा ब्लड प्रेशर फॉल करता है इट इज स्टिम्युलेटेड बाय लो ब्लड प्रेशर जब हमारा बीपी फॉल करेगा लो ब्लड प्रेशर ठीक है या फिर कह लो कि सोडियम लेवल जो है वो हमारे हमारा फॉल करता है अब ब्लड प्रेशर लो होगा तो कल हमने पढ़ा था जो नेट फिल्ट्रेशन रेट है वो भी कम होने वाला है है ना या ओवरऑल जो ब्लड आपके किडनीज में जा रहा है ग्लोमारोलो फिल्ट्रेशन रेट हर मिनट में जितनी फिल्ट्रेशन हो रही है वो भी कम होने वाला है ठीक है सो इन एनी सिचुएशन लो ब्लड प्रेशर हो गया या ग्लोमारोलो फिल्ट्रेशन रेट हमारा डिक्रीज हो गया तो उस सिचुएशन में रास मैकेनिज्म इनिशिएट हो जाता है स्टिमुलेट हो जाता है ठीक है रास मैकेनिज्म का काम क्या है आपके अंदर ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करना आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो गया है तो क्या स्टलेट हो जाएगा रास रास मैकेनिज्म मैकेनिज्म क्लियर और ये आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करेगा अब कैसे करेगा उसको देखने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये रास मैकेनिज्म के ये जो कॉम्पोनेट हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन ये आते कहां से क्लियर फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड जक्सटा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्योंकि रास मैकेजम में ये एपरेटस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लियर नाउ लेट्स गेट ऑन टू दिस सो गोमैंस कैप्स्यूल राइट दिस इज बोमैनस कैप्स्यूल देन हियर वी हैव हियर वी हैव एफरेंट आर्टीरियोल और ये बन गया ग्लोमेरुलस एंड दिस इज योर एफरेंट आर्टीरियल राइट अब ये है एफरेंट आर्टीरियोल ये हम बहुत बार कर चुके हैं अब इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है एंड दिस इज योर इंट आर्टीरियल क्लियर नाउ सी आर्टरीज हमने पढ़ा था इनका स्ट्रक्चर इनकी वॉल्स कंस्ट्रक्शन या डायलेशन शो करती है मूवमेंट शो करती है तो वॉल्स के अंदर मसल्स प्रेजेंट है राइट स्मूथ मसल्स ट्यूनिका मीडिया में रिमेंबर तो यहां इसकी वॉल के अंदर जो स्मूद मसल्स प्रेजेंट है यानी इन वॉलेंट्री मसल सेल्स जो प्रेजेंट होंगे यहां पे इन सेल्स को बोला जाता है इन सेल्स को बोला जाता है जक्स्टा जक्सटाग्लोमैरुलर सेल्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जक्स्टा का मतलब होता है ओवरलैपिंग या नियर सो सिंस दीज सेल्स आर नियर द ग्लोमेरुलर वी कॉल जक्स्टा जक्सटाग्लोमेरुलर सेल्स ठीक है हैं क्या ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स दीज सेल्स आर बेसिकली द स्मूद मसल सेल्स स्मूथ मसल स्मूथ मसल मीन इनवॉलंटरी मसल सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टीरियल इसी तरह से वी है right? के पीछे, आपका पीसीटी होगा लूप ऑफ हेल्ले होगा एंड देन डीसीटी तो ये पीछे से घूम के ऐसे डीसीटी बाहर आ रही है बोर्ड से बाहर आ रही है तो आपको यहां पे क्या नजर आएगा इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डी सी टी वॉट इज दिसे से ट्यूब घूम के आ रही है और इस तरह से जब आगे की तरफ आएगी तो आपको इसका यह सेक्शन नजर आ रहा है अब हमने पढ़ा था डीसीटी के अंदर कैसे सेल्स प्रेजेंट है सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स राइट सो डीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स लेकिन डीसीटी का वो पार्टी जहां पे जो पार्ट ग्लोमेरुलस की तरफ लाया करता है यहां पे सेल्स चेंज हो जाते हैं और सेल्स कैसे हैं कोलम्बनर सेल्स दीज आर कोलम्बनर सेल्स क्लियर सो डीसीटी इज बेसिकली लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम लेकिन उसकी जो साइड ग्लोमेरुलस के पास पास पड़ती है उसकी तरफ पड़ती है वहां पे कैसे सेल्स प्रेजेंट है कोलम्बनर एपीथिलियम तो अब ये जो सेल्स हैं डीसीटी के कॉलमनर एपिथीलियम इसको हम बोलते हैं मैकुला डेंसा क्या बोलते हैं मैकुला डेंसा सेल्स क्लियर सो व्हाट आर दिस दिस आर बेसिकली कॉलमनर सेल्स सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम सिंपल मीन सिंगल लेयर में होगा सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम ऑफ डीसीटी ऑफ डीसीटी इज दट क्लियर इतना क्लियर हो गया अब इसके बाद यहां इन दोनों के बीच में यहां पे भी कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं इन सेल्स को कहा जाता है लासी सेल्स या फिर मिजांजियल सेल्स बोल देते हैं और आपकी एनसीआर के हिसाब से इसका फंक्शन इज अनोन क्लियर चलो सो so, ये तीन तरह के जो सेल्स हैं ये तीन तरह के सेल्स

रास में सबसे पहला नाम आर सैंस रेनिन उसको कौन बनाएगा जक्स्टा ग्लोम सेल्स ठीक है सो दे रेनिन ठीक है अब कब सिक्रीट करेगा हमने पहली बात की कि ये हॉर्मोन जो है ये फीडबैक मैकेनिज्म के तहत रिलीज होते हैं तो कोई किसी का तो मैसेज आया होगा ठीक है तो होता क्या है कि अब ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर ऑस्मेलारिटी को चेक किया गया ठीक है सोडियम लेवल को चेक किया गया ब्लड uh, प्रेशर को चेक किया गया जीएफआर को चेक किया गया तो ये सारी चीजों को डिटेक्ट कौन कर रहा है आपका मैकुला डेंसा। तो मैकुला डेंसा, यानी सिंपल कॉलमनर एपिथिलियल सेल्स ऑफ ये डिटेक्ट करते हैं सोडियम का लेवल इन ब्लड सोडियम लेवल इन ब्लड क्लियर जैसे इन्होंने देखा कि सोडियम लेवल फॉल कर चुका है तो यहां से मैसेज पहुंचता है जक्सटाग्लोम एपरेटस को बात समझ में आई तो देखो हमने कहा कि रास देखो रास ये कब स्टिमुलेट होगा जब सोडियम लेवल फॉल करेगा या लो ब्लड प्रेशर हो गया या जीएफआर लो हो गया तो ऐसी सिचुएशंस इन सबको कौन डिटेक्ट कर रहा है इन सबको डिटेक्ट कर रहा है आपका मैकुला डेंसा क्लियर मैकुला डेंसा ने डिटेक्ट किया तो मैसेज किसको पहुंचाया ग्लोमेरुलर अपरेटर्स को क्लियर और जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ने सिक्रीट कर दिया रेनिन कब व्हेन सोडियम लेवल फॉल्स सोडियम लेवल फॉल्स और मैसेज किसने दिया है मैकुला डेंसा ने लासी सेल्स का फंक्शन अननोन कह रही है आपकी एनसीआरटी फंक्शन अननोन इज दैट क्लियर अब देखो जब ब्लड में सोडियम लेवल फॉल किया और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ने रेनिन बना दिया तो अब स्टोरी शुरू होती है नाउ सी What will happen? So when BP falls, yeah, sodium level falls. It is detected by macula densa. Okay, detected by macula densa. Macula densa will stimulate. It stimulates your juxtaglomerular cells. Stimulates juxtaglomerular. सेल्स यानी ए फ्रंट आर्टीरियल के स्मूथ मसल सेल्स ठीक है ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन टू रिलीज रेनिन इज क्लियर तो रेनिन कौन बना रही है किडनी बना रही है ये कहां से रिलीज हो रहा है किडनी के अंदर रिलीज हो रहा है इज इट क्लियर सो लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस कि ये सारा कुछ कहां हो रहा है दिस इज ऑल अकरिंग विद इन द किडनी क्लियर हो गया ये किडनी के अंदर हो रहा है तो ब्लड से रेनिन एक हॉर्मोन है तो यहां ब्लड से रेनिन कहां जाएगा इट विल एंटर इन योर ब्लड है ना हॉर्मोन्स कहा जाते हैं ब्लड के अंदर जाते हैं सो से दिस इज योर ब्लड फाइन चलो ब्लड बना देते हैं बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर ब्लड मैक्सिमम थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन योर ब्लड क्लियर सो ये रेनिन आया आपके ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर आके क्या हुआ आपके ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिनोजेन ठीक है एंजियोटेंसिनोजेन एक प्रोटीन है एक हार्मोन है जो कि आपकी आपके लिवर ने बना के यहां पे डाला हुआ है सो नाउ दिस हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय योर लिवर लिवर ने इसको बनाया था और ब्लड के अंदर डाल दिया ठीक है लिवर ने इसको बनाया और ब्लड के अंदर डाल दिया किसी भी नाम के पीछे जेन आ जाए या पहले प्रो आ जाए तो वो चीज इनएक्टिव होती है सो एनजियोटेंसिनो जेन इज इनएक्टिव ठीक है अब इसका नाम देखो जरा एनजीओ टेंसिनोजेन ठीक है एनजीओ का मतलब वेसल टेंशन का मतलब प्रेशर तो ये वेसल के ऊपर प्रेशर डालेगा तो यानी कि वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने वाला है दिस इज ऑल्सो अ वेज कंस्ट्रिक्टर लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में अब ये ऑलरेडी आपके ब्लड के अंदर होता है अब बात यह है कि जब किडनी ने रेनिन प्रोड्यूस कर दिया जब किडनी ने रेनिन प्रोड्यूस किया तब क्या होगा ये रेनिन जाके एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा इनटू एक्टिव फॉर्म एंड इट विल चेंज इनटू एंजियोटेंसिन ठीक है ब्लड के अंदर ऑलरेडी एनजियोटेंसिन प्रेजेंट है इन द इनएक्टिव फॉर्म लेकिन किडनी से रेनिन आया तो ये कन्वर्ट हो गया इनटू द एक्टिव फॉर्म कॉल्ड एंजियोटेंसिन वन ठीक है सो एंजियोटेंसिन वन इज अ वेज कंस्ट्रिक्टर लेकिन जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती इट इज लेस पोटेंट इट इज लेस पोटेंट लेस पोटेंट का मतलब होता है स्ट्रेंथ ये इतना ज्यादा स्ट्रोंग वेजो कंस्ट्रक्टर नहीं है क्लियर इसलिए इसको अब कन्वर्ट किया जाएगा अ अट्रॉगर फॉर्म ये एंजियोटेंसिनोजन जब लंग्स के अंदर जाता है ब्लड से होते हुए तो लंग्स के अंदर एक एंजाइम होगा जो इसको कन्वर्ट कर देगा इंटू दिस एंजियोटेंसिन टू फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए कौन आएगा आएगा आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एनजाइम और ये एनजियोटेंसन कन्वर्टिंग एनजाइम प्रेजेंट होता है या से क्रिएट किया जाता है बायर लंग्स कौन बना रहे हैं लंग्स बना रहे हैं ठीक है तो देखो सारा ब्लड हर ऑर्गन में से होकर गुजरता है जब ये ब्लड एनजियोटेंसन वन कैरिंग ब्लड लंग्स में पहुंचेगा ऑक्सीजनेशन के लिए तो वहां लंग्स ने यह बनाया हुआ है और वहां लंग्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है एनजियोटेंसन टू में इज दैट क्लियर अब ये जो एंजियोटेंसिन टू है नाउ दिस इज गोइंग टू हैव वाइड इफेक्ट्स ठीक है देखो एंजियोटेंसिन 2, टू ये भी वेजो कंस्ट्रिक्टर है राधा दिस इज अट्रोंग वेजो कंस्ट्रिक्टर इट इज स्ट्रोंगर या मोर पोटेंट इज क्लियर अब देखो इसके इफेक्ट्स क्या क्या होने हैं एंजियोटेंसिन 1 वन के इफेक्ट्स कई जगह पे होने वाले हैं ठीक है एंजियोटेंसिन 1 वन के इफेक्ट्स कई जगह पे होने वाले हैं नंबर वन इसका इफेक्ट होगा देखो एनजीओ टेंसन नाम से पता लग रहा है इसका इफेक्ट होगा ब्लड वेसल पे ठीक है पहले तो ये अपने वेसल के ऊपर ही इफेक्ट करेगा और क्योंकि टेंशन है तो ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी देखो रास मैकेनिज्म कब स्टिमुलेट हुआ है जब ब्लड प्रेशर फॉल किया तो उसका मकसद क्या है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना है सोडियम को एनहांस करना है तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के कई तरीके हैं पहले तो एरिया कम कर दो है ना ब्लड वेसल अगर छोटी हो जाएगी एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाना है सो ब्लड वेसल की वेजो कंस्ट्रक्शन होगी एंड दिस रिजल्ट इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर इतना सा काम हो गया ये सडन इफेक्ट होता है एकदम से एंजियोटेंसन वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा दूसरा इसका इफेक्ट होता है एड्रिनल कॉटेक्स पे एड्रिनल कॉटेक्स पे सो so, अब एड्रिनल ग्लैंड है है ना किडनी के ऊपर ये अगर किडनी है आपकी तो किडनी के ऊपर ये ग्लैंड प्रेजेंट है दिस इज नोन एज एड्रिनल ग्लैंड अब ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं ये बाहर वाला कॉटेक्स है अंदर वाला मेडुला है हमें मेडुला से भी कोई मतलब नहीं है हमें बाहर वाले एड्रिनल कॉटेक्स से मतलब है ठीक है है तो ये टू जो है, ये ये जो जो पे करेगा हम पढ़ेंगे कि कई तरह के हॉर्मोन बनाता है उनमें से एक हॉर्मोन होता है एल्डोस्टिरोन क्या होता है एल्डोस्टिरोन ठीक है तो ये एल्डोस्टिरोन डीसीटी और सीटी में से सोडियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा PCT में से और लूप ऑफ हेल्ले में से जो सोडियम है वो, obligatory है, वो तो है वो तो होनी है वो तो नॉर्मली हो रही है लेकिन DCT और CT में से फैकल्टीटिव जरूरत के हिसाब से राइट right? तो देर इज अ लॉट ऑफ सॉल्ट लॉस फ्रॉम योर बॉडी क्लियर ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है तो और ज्यादा सॉल्ट को रिटेन किया जाएगा ब्लड में क्योंकि हमने पढ़ा था जितना ब्लड के अंदर नमक होगा उतना वाटर रीअब्सॉर्ब होता है काउंटर करंट में भी हमने ये देखा था राइट सो एड्रिनल कॉन्टेक्ट विल बी स्टिम्युलेटेड वो रिलीज करेगी एल्डोस्टिरोन ठीक है एल्डोस्टिरोन अगेन एक्ट करेगा डीसीटी और सी पे एंड इट विल इंक्रीज सोडियम रीऐब्जॉर्प्शन इंक्रीज सोडियम री फ्रॉम डीसीटी एंड सी टी इज दट क्लियर ठीक है तीसरा इसका इफेक्ट देखो और सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो सोडियम के पीछे पीछे वाटर भी रीअब्सॉर्ब होगा ठीक है सो यहां पे क्या होगा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी वाटर रि इंक्रीज होगी तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा ठीक है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है इसीलिए लो ब्लड प्रेशर में कहते हैं ज्यादा कुछ मीठा खाओ या नमक खाओ क्योंकि आप जितना ब्लड के अंदर नमक डाल रहे हो ठीक है उसके पीछे पीछे उतना वाटर भी रिटेन होगा क्लियर वाटर रिटेन होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा आप वैसे ही देखो जब आप कुछ बहुत ही नमकीन चीज खा लेते हो वो मसाला चिप्स का है ना या फिर परांठे जब हम खाते हैं तो पूरा दिन बहुत प्यास लगती है है ना छोले भटूरे नमक ही नमक है तो जब भी हम ऐसी कोई बहुत सॉल्टी चीज़ खाते हैं तो होता क्या है बॉडी में सॉल्ट का लेवल जब बढ़ेगा तो वाटर की जो डिमांड है वो भी बढ़ती है राइट कुछ तो यूरिन में से कमी पेशी पूरी की जाती है बाकी तुम्हें प्यास लगती है यू you getting दिस ताकि बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन किया जाए इसलिए ज्यादा नमक खाने से बीपी हाई भी होता है लेकिन जिसका लो है उसको नमक खाने के लिए बोला जाता है क्योंकि जितना सोडियम उतना वाटर रीअब्सॉर्ब होगा उतना ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा ऑब्वियसली उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एग्जैक्ट क्लियर सो ये कब हो रहा है जब ब्लड प्रेशर फॉल करता है ब्लड प्रेशर फॉल को क्या कहते हैं हाइपोटेंशन पड़ चुके हैं हम so, हो रही है तो ये हो रहा है ज दैट क्लियर सो हाइपोटेंशन विल बी डिटेक्टेड बाय मैकुलेंसा सेल्स इज दैट क्लियर अब तीसरा क्या होना है एनजियोटेंसन ठीक है ये एनजियोटेंसन टू जो है ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी बुला लेगा कि चलो तुम भी आ जाओ ब्लड वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा वाटर को और रीअब्जॉर्ब करो तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तुम्हें पता है एडीएच बनाती है ये एडीएच क्या करेगा ये एडीएच वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा वॉटर रीअब्जॉर्ब होगा तो ब्लड वॉल्यूम फिर बढ़ना है Are you getting this? तो बहुत शो कर रही हैं. एंजियो टेंसन का दूर दूर इफेक्ट होता है स्क्रीन शॉट यान ब्लड प्रेशर एक बार रिपीट कर लेते हैं ब्लड प्रेशर गिरा तो उसको डिटेक्ट किया मैकुला डेंसा ने ठीक है और स्टिमुलेट कर दिया जक्सट्रा ग्लोमैरुलर सेल्स को पीछे एक बार देखते हैं ये देखो मैकुलर डे ने डिटेक्ट किया sodium level को, ठीक है और जब sodium level falls, when sodium level falls, तो इसका इट विल है पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जक्सटाग्लोम टू प्रोड्यूस रेनिन अब रेनिन किडनी ने बनाया है हॉर्मोन्स कहाँ पे जाते हैं ब्लड के अंदर जाते हैं ठीक है तो अब ये ब्लड के अंदर जैसे ही गया तो ब्लड में ऑलरेडी एक कॉम्पोनेंट था एक प्रोटीन था एनजियोटेंसिन जन लेकिन वो इनएक्टिव था उसको एक्टिवेट कर दिया एंजियोटेंसिन वन में ठीक है थोड़ी सी वेजो कंस्ट्रक्शन हुई लेकिन खास उससे फर्क नहीं पड़ा तो उसको कन्वर्ट किया जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कौन बना रहा है लंग्स बना रहे हैं ठीक है थीके? जैसे एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट हुआ अब इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं पहले तो उसने आसपास की सारी ब्लड वेसल्स को ही कंस्ट्रिक्ट कर दिया वेजो कंस्ट्रक्शन हुई तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ यही तो हमने करना था ठीक है दूसरा अब धीरे धीरे इसका इफेक्ट एड्रिनल कॉटेक्स पे भी होगा एड्रिनल कॉटेक्स बनाएगी एल्डोस्टिरोन एल्डोस्टिरोन सोडियम की रि करवाएगा और जैसे जितना सोडियम नमक यानी नमक आपके उसमें होगा ब्लड में ठीक है उतना वाटर उसके पीछे पीछे जाएगा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा ब्लड अगर वॉल्यूम में ज्यादा होगा तो ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा है क्लियर और ज्यादा इफेक्ट बनाने के लिए ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी बोल देता है कि जो हाइपोथल ने तेरे पास एडीएच भेजा हुआ है उसको रिलीज करो ठीक है तो पिट्यूटरी एडीएच रिलीज करेगी इट रिलीजेज एडीएच और तुम्हें पता है कि एडीएच क्या करता है वाटर रीअब्सॉर्शन करेगा फर्दर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज तो ये जो रास मैकेनिज्म है इसने जोड़ तोड़ करके अलग अलग तरीके अपना के आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवा देना है Is that clear? So, हम कहते हैं कि जो राय लो ब्लड प्रेशर और इसका काम क्या होता है टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर या सोडियम लेवल इन ब्लड इज क्लियर और इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम समझ में आ गया और देखो इसमें किस किस का रोल आ रहा है रेनिन का रेनिन किसने बनाई है किडनी ने एंजियोटेंसिन किसने बनाया था लिवर ने लेकिन उसको कन्वर्ट किसने किया एनजियोटेंसन और जेन को बाय रेनिन एल्डोस्टेरोन कौन बनाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स तो बहुत ही वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स हैं इसके और सारे मिल के सोडियम लेवल को मेंटेन करने के लिए लगे होंगे ठीक है एंड दे ऑल वर्क इन सिंक्रेमी एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं इन हार्मनी विद ईच अदर सो दिस इज द रास मैकेनिज्म क्लियर और कौन बना रहा है इसको ये सारे मिलके ठीक है शुरुआत कहां से होती है किडनी से और किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एंड इट इज दिस इज दैट क्लियर ठीक है चलो आगे देखते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ए अभी तक हमने देखा कि ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है ठीक है ब्लड वॉल्यूम गिर रहा है तो क्या हुआ तो एडीएच और रास मैकेनिज्म का रोल आया Clear? दोनों ही ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं ब्लड uh, का वॉल्यूम मेंटेन करने में हेल्प करते हैं अब इसकी ऑपोजिट कंडीशन जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है देन वॉट विल हैपन वेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस यानी कि क्या हो रही है हाइपर तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक दूसरा हार्मोन है दैट इज एन एफ लेट्स टॉक अबाउट दिस ए एन एफ स्टैंड फॉर एट्रियल नेट्री यूरिटिक फैक्टर ठीक है एट्रियल नेट्री यूरिटिक फैक्टर एट्रियल से तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा होगा कि इसको कौन सिक्रिएट करने वाला है सिक्रीटेड बाय द एट्रियल वॉल्स इट इज सिक्रिएटेड बाय एट्रियल वॉल्स सिक्रीटेड बाय एट्रियल यानी कि हार्ट की वॉल्स अपर चेम्बर्स एट्रियल वॉल्स क्लियर नेट्री यूरिटिक क्यों बोला नेट्रियम वर्ड कम्स फ्रॉम याद है तुम्हें या सोडियम का सिंबल एन ए क्यों होता है सोडियम तो S होना चाहिए है ना लेकिन सिंबल क्योंकि सोडियम नाम जहां से आया वो बेसिकली क्या था नेट्रियम राइट एन दैट इज वायर वी राइट सोडियम एज एन ए नेट्रियम इज अनादर और बेसिक वर्ड रूट फॉर सोडियम क्लियर लैटिन से शायद लैटिन या ग्रीक चलो सो सिक्रीटेड बाय एट्रियल वॉल्स और एक किस पे एक्ट करेगा सोडियम पे सोडियम का जब लेवल बहुत इंक्रीज कर जाता है ठीक है तो देखो जब सोडियम का लेवल बहुत इंक्रीज कर जाएगा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा तो इसको डिटेक्ट कौन करेगा इसको डिटेक्ट करेगी आपकी हार्ट की मसल्स की भाई ज्यादा ही प्रेशर से ब्लड आ रहा है तो हार्ट की मसल्स उस हाई ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्ड करेंगी और हार्ट muscles yeah atrial muscles sorry atrial muscles they are going to release release this factor atrial muscles release this enzyme and this a hormone that is anf ठीक है अब ये जो ANF एन एफ है ये रास के बिल्कुल ऑपोजिट होता है ठीक है तो ए एन एफ क्या करेगा इट विल सप्रेस रास मकैनिज्म इट विल सप्रेस रास जम ठीक है जब रास सप्रेस हो गया तो सोडियम की रीअब्सॉर्बन ना होगी, सोडियम निकलेगा सोडियम निकलेगा तो उसके पीछे पीछे पानी भी निकलेगा तो देखो सप्रेस रास सो सोडियम एंड वॉटर एक साथ ही लिख रही हूं सोडियम एंड वॉटर लॉस इन यूरिन पानी निकल रहा है सोडियम निकल रहा है एक्सेसिव यूरिनेशन कराएगा ये एक्सेसिव यूरिनेशन इज क एक्सेसिव एक्सेसिवरेशन डायरेसिस अगर ब्लड में से ज्यादा वाटर का लॉस हो रहा है तो ब्लड ब्लड वॉल्यूम विल डिक्रीज, ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज। तो अल्टीमेटली यही तो हमने करना है दैट इज ब्लड प्रेशर विल फॉल इज क्लियर? सो एन एफ जो है गाइज दिस इज एंटागनिस्टिक टू किसके रास मैकेजम के एंटाग्नेस्टिक टू रास इवन एडीएच, लेकिन रास में ही एडीएच का इफेक्ट हमने देख लिया कि जो है एल्डोस्टर भी एक्ट करता है ऑपोजिट तो का मतलब काम करता है टू रास क्लियर अब एक चीज और हमने गाय जब एडीएच पढ़ा तो देखो एडीएच कब स्टिमुलेट हो रहा है जब पानी का लॉस हो रहा है ठीक है विंटर्स में ए नहीं बनेगा क्योंकि वाटर लॉस नहीं होता ड्यूरिंग स्वेटिंग अच्छा कुछ चीजें होती हैं नाउ देर आर सर्टन थिंग्स कॉल्ड डाय यूरेटिक्स वो हैं वो जो एक्सेसिव यूरिनेशन करवाएं विच कॉज एक्सेसिव यूरिनेशन विच कॉज एक्सेसिव यूरिनेशन उन चीजों को क्या बोल देंगे डाय ठीक है फॉर एग्जाम्पल वो कौन सी हो सकती हैं जैसे एल्कोहल फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स है ना ये कुछ ऐसी चीजें कुछ दवाइयाँ हो सकती हैं कुछ सम ड्रग्स कुछ दवायाँ जिनको लेने से जिनको लेने से एक्सेसिव यूरिनेशन होती है खास तौर पे क्वेश्चन आता है अल्कोहल से रिलेटेड कि अल्कोहल कंजम्पशन के बाद एक्सेसिव यूरिनेशन क्यों होती है बिकॉज इट इज़ अ डायोरेटिक और ये डायोरेटिक्स क्या करेंगे दीज ठीक है एडीएच बनना भी चाहे तो बनने नहीं देते या yeah, जरूरत हो भी तो एडीएच बन नहीं पाएगा और एडीएच नहीं बन पाएगा तो उसकी वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन होगी ये भी चीजें याद रख लेना इज दैट क्लियर चलिए सो वी हैव डन दीज थ्री फीडबैक मैकेनिजम्स विच हेल्प इन द ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन क्लियर तो किडनी ने नॉर्मली जो काम करना था वो भी कर लिया जरूरत के हिसाब से उसका फंक्शन रेगुलेट भी हो गया बाय दीज थ्री हार्मोनल हॉर्मोनल क्लियर अब फाइनली क्या बन गया है हमारा फाइनल यूरिन और कल हमने यूरिन का कॉम्पोजिशन भी देखा था 92 से 95 परसेंट उसमें क्या होता है वॉटर होता है और उसमें सोल्ट प्रेजेंट होंगे यूरिया प्रेजेंट होगा यूरिक एसिड होगा कई यूरोक्रोम होगा राइट right? यूरोक्रोम विच गि कलर टू द यूरिन पेल यूरिन, पेल येलोइ राइट सो अब मिक्टूरेशन क्या है जैसे यूरिन बनता है उसको स्टोर कहाँ किया जाता है आपके ब्लैडर के अंदर ठीक है किडनी से यूरिन बनके यूरेटर्स के थ्रू कहाँ स्टोर हो जाता है आपके ब्लैडर के अंदर और फिर जब सफिशिएंटली ब्लैडर फिल हो जाएगा तो यू विल हैव दैट फीलिंग टू वॉइड इट, टू रिलीज दैट यूरिन टू एमटी द ब्लैडर सो रिलीजिंग द यूरिन और एमटिंग द ब्लैडर इज नोन एज मिक्टूरिशन सो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ वॉइडिंग वॉइडिंग का मतलब होता है रिलीज करना वॉइडिंग और एमटिंग द ब्लैड इज क्लियर रिलीज ऑफ यूरिन होगा इसमें तो यूरिन के बारे कल हमने पढ़ लिया था जो यूरिन है ये स्लाइटली एसिडिक होता है है ना स्लाइटली एसिडिक होगा और इसका पीएच रहता है अराउंड 6.8 क्लियर है अब मिक्ट्यूरेशन में हमने यूरिन रिलीज करना है। देखो यूरिन है कहां पे? इन योर फाइन इट इज इन योर ब्लैडर सो अब आपका जो ब्लैडर है उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है दैट इज अराउंड 350 से 500 हंड्रेड एम एल ठीक है नाउसी उससे पहले हम एक बार ब्लैडर का कुछ स्ट्रक्चर uh, देख लेते हैं क्योंकि हम मैं बहुत सारी टर्म्स यूज करने वाली हूं यूरेथल्स फिंकटर्स एंड देन डिट्रूसर मसल्स सो लेट्स अंडरस्टैंड यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर्स देखो तुम्हें पता है किडनी से आया यूरेटर राइट right? तो ये आपका ब्लैडर है एक बार डिटेल में देखते हैं ब्लैडर को ठीक है दिस इज योर ब्लैडर अच्छा नहीं बना है बच्चे पसंद ही नहीं करेंगे मुझे ही पसंद नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा से बना लेते हैं देखो This is your bladder, fine. Now, this is the urethra, ठीक है ये आपका bladder. डन अब यहां पे यूरेटर्स भी आए हैं अब यूरेटर्स देखो एकदम से यहां पे नहीं फॉल करते ऐसे यूरेटर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं ठीक है यूरेटर्स कैसे प्रेजेंट होंगे डायगनली प्रेजेंट होंगे so एक तो ये से एंटर करेंगे, पीछे से एंटर करेंगे ठीक है, तो पीछे से यहां से ये एंटर कर रहे हैं dorsally और वो भी डायगनली पीछे से डायग्नली और पीछे से आते हुए यहां बेस तक ओपन होते हैं डॉटेड का मतलब पीछे से आ रहा है ठीक है और बेस के पास ओपन होगा ऐसे ऊपर से नहीं घुल जाते तो यहां पे ये यूरेटर की एक ओपनिंग है ऐसे ही दूसरे यूरेटर की ओपनिंग होगी ठीक है ये पीछे से आ रहा है एंड देन यहां ऊपर किडनीज प्रेजेंट होगी दीज आर योर यूरेटर्स इज दट क्लियर नाउ सी तो दे आर ओपनिंग यूरेटर्स ओपन इन द ब्लाडर डायगनली दे ओपन डायगनली फ्रॉम द डोर्सल साइड फ्रॉम डोर्सल साइड इज दियर यूरेटस के लिए एक खास चीज याद रखना कि इसमें एक स्पेशल एपिथीलियम प्रेजेंट होता है स्पेशल एपिथिलियम ब्लैडर में और यूरेटस में एक स्पेशल एपिथिलियम होगा जो आपको और कहीं नजर नहीं आता दैट इज ट्रांजिशनल एपीथिलियम ट्रांजिशनल एपिथिलियम यह स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी करवाऊंगी ट्रांजिशनल एपिथिलियम नाम से देखो ट्रांजिशन का मतलब होता है जो चेंज हो सके है ना तो ब्लैडर्स ये स्ट्रेच होते हैं तो स्ट्रेच होने की वजह से एपीथिलियम की शेप चेंज हो सकती है इक्ट क्लियर सो दिस इज दैट यूनिक फीचर ऑफ ट्रांजिशनल एपीथिलियम और क्योंकि आपको यूरेटर्स और ब्लाडर में दिखेगा तो इसको हम यूरोम बी कह देते हैं यूरोथीलियम ठीक है इट कैन स्ट्रेच इसकी वजह से स्ट्रेचिंग पॉसिबल है इट अलाउज स्ट्रेचिंग ठीक है इट अलाउज स्ट्रेचिंग इन यूरेटर एंड यूरेथरा क्लियर सी अब ये यूरेटर्स की दो ओपनिंग्स हैं यहां से यूरेथरा की ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये तीन ओपनिंग्स जो है, है, है ट्राइगोन एक तिकोना स्ट्रक्चर बन रहा है जहां पे तीन आ, डक्ट्स की ओपनिंग्स हैं इधर से यूरेटर्स की और नीचे यहां यूरेथरा की ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्राइगोन क्लियर अब और क्या क्या है देखो ये जो ऊपर डोम शेप पार्ट है जहां ये ट्राइगोन पार्ट है थ्री रीजन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर क्लियर और उसके नीचे क्या स्टार्ट हो जाता है यूरेथ्रा अब जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है इसकी वॉल में स्पेशल मसल्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम बोलते हैं डिट्रूसर मसल्स इसकी वॉल के अंदर इसकी जो वॉल होगी उसके अंदर स्पेशल मसल स्मूद मसल्स इनवॉल्ट्री मसल्स प्रेजेंट है विच आर नोन एज डेट्रूसर मसल्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट्रूसर मसल्स ये मसल मसल्स हैं इन द वॉल इज क्लियर स्मूद मसल्स वेरी इंपॉर्टेंट अब देखो होना क्या है जब ब्लैडर आपका सफिशियंटली फिल हो जाएगा तो यूरिन को निकालने के लिए यहां से पुश जनरेट होना चाहिए यानी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए और यहां से यहां पे रास्ता जो है देखो यहां पे स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होंगे लेट्स इट यहां पे दो स्पिंग प्रेजेंट होंगे एक ये ठीक है मसल्स यूरेथ्रल यूरेथ्रल्स और दूसरा ये बाहर की तरफ सो दीज आर स्पिंगटर्स फाइन ये बाहर की तरफ है तो दीज आर एक्सटर्नल और ये अंदर की तरफ है तो दीज विल बी नोन एज इंटरनल these are थ्रल स्विंगटर्स दीज आर कॉल्ड यूरेथरल फिंगटर्स ठीक है डन होगा क्या ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए स्विंटर्स रिलैक्स होने चाहिए ताकि यूरिनेशन हो सके ठीक है तो डिट्रूसर मसल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है ठीके? और यूरेथ्रल फिंकटर्स हैं जो कि रिलैक्स होते हैं अब कब होंगे स्ट्रक्चर क्लियर हो गया इतना बेसिक सा ठीक है इससे ज्यादा तो एनसीआर ने आपको दिया भी नहीं है मैंने भी थोड़ा सा ज्यादा ही बता दिया तुम्हें तो ये फंडस ये बॉडी ये नेक ये ट्राइगोन रीजन है जहां पे तीन ओपनिंग्स आ रही हैं और ये आपका यूरेथ्रा है और यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है इट इज इट इज गार्डेड बाय टू स्टर्स ठीक है इंटरनल आई आई याद रखना इंटरनल जो होता है ये इन होता है आपके कंट्रोल में नहीं है एक्सटर्नल आपके कंट्रोल में है इज इट क्लियर यानी जब तक तुम काबू कर सकते हो तब तक तो ठीक है है ना उसके बाद फिर हमें भागना पड़ता है पैंट पकड़ के चलो तो वो होता है जब हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाए तो इट इज इंटरनल इतना क्लियर हो गया नाउ सी सो दिस इज योर यूरनरी ब्लैडर अब आते हैं मिक्ट्यूरेशन पे अब ओवरऑल आपका जो ब्लैडर है उस ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है दैट इज थ्री टू फाइव हंड्रेड ठीक है थ्री टू फाइव हंड्रेड क्लियर जब वो वन तक भरता है ना जब वो 150 तक भरेगा देखो ये आपका ब्लैडर है ठीक है एक ही बार में तो भर नहीं गया जब वो 150 तक भरता है ऐसे नीचे से भरना शुरू होगा ना सो so, जब वो 150 फिफ्टी तक भरता है तो आपको सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है कि ओके वी नीड टू यूरिनेट लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है तो तुम थोड़ी देर के लिए रोक के बैठोगे नहीं और तुम्हें मजा आ रहा है तो तुम रुकोगे क्लियर तो 150 फिफ्टी तक जब वो भर जाता है इट जनरेट्स फीलिंग टू void इट और अर्ज टू void इट void का मतलब एम टी करना मन करेगा कि ओके लेट्स यूरिनेट लेकिन जैसे जैसे वो 350 तक भर जाता है या 500 तक अब तो तुम रोक ही नहीं सकते अब तो तुम पॉज करोगे कर और पहले जाओगे फाइन तो जब मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी कितनी होती है यहां तक 350 से 500 हंड्रेड वेन मैक्सिमम फुल दिस विल जनरेट स्ट्रॉन्ग अर्थ जनरेट स्ट्रॉन्ग अर्ज टू रिलीज ठीक है नाउ इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल टू स्टॉप स्ट्रॉन्ग अर्थ टू अवॉइड इक्टर यहां पर तुम रोक सकते हो यहां अब नहीं रुकेगा होता क्या है जब तुम्हें स्ट्रांग अर्ज होती है तो बेसिकली मैसेज कहां से कहां जाने वाला है सो so, आपके ब्लाडर से मैसेज पहुंचेगा देखो ये बता दिया नाउ दिस इज तो आपका मैसेज पहुंचेगा ब्रेन की तरफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ठीक है तो वहां से जो इंपल्सिस जनरेट होंगी विच विल हेल्प इन यूरिनेशन इस पूरे नर्व इंपल्सिस को हम बोल देते हैं मिकटूरेशन रिफ्लेक्स क्लियर यानी एक स्टिमुलस आया ब्लैडर की तरफ से और मैसेज पहुंचा ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड को और उन्होंने फिर मैसेज भेजा कि चलो भागो अब Are you this? So, ये पूरा जो मैकेजम होगा ये पूरा जो नर्व इम्पल्स होगा दिस टोटल इज नोन एज मिक्टूरिशन रिफ्लेक्स क्लियर नाउसी देखो अब यूरिनरी ब्लाडर की वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जब वो पूरी तरह से भर जाता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स सेंड सिग्नल टू ब्रेन सेंड सिग्नल टू ब्रेन अब यहां से एक देखो ये जा रही है नर्व और कहा जा रही है सेक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को है ना स्पाइनल कॉर्ड याद रख लो बस सेक्रल छोड़ दो अभी स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रही है और स्पाइनल कॉर्ड ऊपर मैसेज भेजता है ब्रेन को ठीक है तो हम इन शॉर्ट याद रख लेते हैं कि मैसेज कहां जा रहा है ब्रेन को ठीक है सो सी दिस इज सेंडिंग सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड क्लियर ये मैसेज क्या और ये कौन सी होगी ये सेंसरी होगी ऑफकोर्स जो मैसेज लेके जा रही है जो स्टिमुलस कैरी कर रही है दिस इज सेंसरी न्यूरोन या नर्व ठीक है अब ब्रेन ने मैसेज भेजा कि चलो भागो फाइन तो ब्रेन जब मैसेज भेजेगा कि नाउ इट्स टाइम टू यूरिनेट भागो अब नहीं और रुका जा सकता फाइन तो तो तुम तुम क्या करोगे तुम तो भागोगे ही बट ब्लैडर क्या करेगा अब ब्लैडर में जो ब्लैडर की वॉल में डिट्रूसर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ब्रेन क्या करवा रहा है रिलीज करने के लिए डिट्रूसर मसल्स देखो ये मैसेज कहां आ रहा है डिट्रूसर मसल्स तो डिट्रूसर मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट डेट्रूसर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर मसल्स यहां से मैसेज इधर आ रहा है ठीक है ये कौन सी न्यूरॉन होगी मोटर जो मैसेज लेके आ रही है वो मोटर है ठीक है और दूसरा मैसेज जा रहा है स्पिंक्टर्स पे यहां से मैसेज जा रहा है स्पिंक्टर्स पे अगेन ये भी क्या होगी मोटर कहाँ मैसेज जा रहा है टू द स्विंकटर्स यूरेथरल फिंगर्स यूरेथरल फिंगटर्स को रिलैक्स किया जाएगा ये रिलैक्स करेंगे रास्ता खोलेंगे और ये पीछे से प्रेस करेंगे एंड द यूरिन विल ऑल फ्लो आउट और तुम्हें आती है सास ओ राइट नासी सो मिकटेशन रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स यानी ऑल दो न्यूरल रिफ्लेक्सेस न्यूरल सिग्नल्स विच हेल्प इन वॉइडिंग द यूरिन हेल्प इन वॉयडिंग द यूरिन ठीक है जनरेशन कहां से हुई है इस रिफ्लेक्स की स्ट्रेच रिसेप्ट से तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जब ये काफी भर जाता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स मैसेज भेजते हैं वैसे तो जब 150 फिफ्टी भी हुआ था तब भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने एक बार ब्रेन को मैसेज भेजा था कि हाँ अब फीलिंग आती है तुम्हें ठीक है बट तुम रुक सकते हो लेकिन जब वो 350 से 500 हंड्रेड तक हो जाएगा क्लियर तो उसके बाद अब ये स्ट्रेच रिसेप्टर से बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाला यू नो मैसेज भेजा जाएगा कि नाउ इट्स द टाइम टू रिलीज की अब इमरजेंसी है तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल आया स्ट्रेच पे प्रेजेंट है इन वॉल्स ऑफ ब्लैडर ठीक है सिग्नल टू द ब्रेन और ब्रेन ठीक है तो यहां से सिग्नल जा रहा है टू द ब्रेन और ब्रेन फिर क्या करेगा थर्ड ब्रेन सेंडिंग सिग्नल टू सेंड्स सिग्नल टू डेट्रूसर मसल्स ठीक है डेट्रूसर मसल्स इन द ब्लडर एंड यूरेथ्रल्स फिंकर्स ठीक है डेट्रूसर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैसेज आ रहा है और यूरेथ्रल्स फिंक्टर्स को रिलैक्स करने के लिए मैसेज आ रहा है एंड लीडिंग टू द यूरिनेशन फोर्थ विल बी रिलीज ऑफ यूरिन इज दैट क्लियर सो दिस इज हाउ विक अकर्स इज दैट क्लियर टू ऑल ठीक है सो आपको भी एक्सप्लेन करना हो तो ऑलवेज ड्रॉ डायग्राम बार बार कहती हूँ डायग्राम्स ड्रॉ करोगे तो मार्क्स ज्यादा आएंगे क्लियर चलो बट सही तरह से डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है सो so, अब यहां तक था हमारा किडनी का रेगुलेशन और वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड द मेक्टरेशन प्रोसेस मैंने तुम्हें बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में बोला था कि किडनी एक बहुत ही एक बहुत ही डिफरेंट uh, सा रोल भी प्ले करती है जो शायद हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते वैसे तो हार्ट से भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करेगा बट अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं है ना समाइम्स सरप्राइजेज आर गुड सो देखो ये किडनी का रोल है ब्लड फॉर्मेशन में नाउ रिमेंबर जब भी जब भी हाइपोक्सिया होता है देखो हाइपोक्सिया का मतलब हाइपोक्सिया का मतलब जब हवा में ऑक्सीजन कम होगा हवा में ऑक्सीजन कम होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा तो विल टेक द राइट हैंड शिफ्ट याद आ रहा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, है ना तो हाइपोक्सिया आकर्स जब भी हाइपोक्सिया होगा यानी पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉल्स इन एयर ठीक है तो जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल फॉल हवा में ऑक्सीजन कम होगी तो बॉडी की रिक्वायरमेंट तो कम नहीं हो गई तो उस सिचुएशन में बॉडी क्या करती है जब तुम घूमने फिरने जाते हो पहाड़ों पे तो क्या हो रहा है हायर एल्टीट्यूड पे तुम जाते हो तो पहले तो रास्ते में चक्कर भी आते हैं है ना कईयों को मन खराब होता है सम पीपल आर ओके विद दैट कईयों को नोजिया होगा वॉमिटिंग होगी डिजीनेस होगी राइट right? उसको कहते हैं माउंटेन सिकनेस लेकिन अगर आप वहां पर तीन महीने रह लेते हो है ना अगर हायर एल्टीट्यूड पे आप तीन महीने रह लेते हो तो आपका आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है ठीक है सो सी वेन हाइपोक्सिया तीन महीने में भी वहां पे हाइपोक्सिया था लेकिन उस हाइपोक्सिया की वजह से हुआ क्या आपकी किडनी स्टिमुलेट हुई है किडनी इट स्टिम्युलेट योर किडनी टू प्रोड्यूस अ हॉर्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन याद आ रहा है एरिथ्रोपोस पढ़ा था हमने पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन तो ये क्या करवाएगा एरिथ्रोपोइटिन ऐसा प्रोटीन है जो पोएसिस करवाएगा आरबीसी पोयस की प्रोडक्शन करवाएगा कहाँ से आ रहा है किडनी से कहाँ कब आया जब ऑक्सीजन का लेवल फॉल हुआ सो वेन ऑक्सीजन लेवल फॉल्स इन एयर इट विल ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन किडनी नॉट ओनली ऑन हीमोग्लोबिन ठीक है कि हीमोग्लोबिन को एक मौका मिल जाता है कि चलो जी अब ऑक्सीजन से अलग होके कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जाओ बल्कि इट विल हैव इफेक्ट ऑन किडनी ऑल्सो इट विल हैव इफेक्ट ऑन ऑन योर ब्रेन ऑल्सो तो इसीलिए हमेशा वेल वेंटिलेटेड रूम में बैठ के पढ़ना चाहिए भाई क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से आपके ब्रेन सेल्स की डेथ होती है याद कम होगा ठीक है दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठ जाते हो कि बस आज तो उन्हें सारी किताब फाड़ देनी है बट ऐसा नहीं है इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड रूम नाउ लिसन इसका इफेक्ट हुआ किडनी पे किडनी ने बनाया एरिथ्रोपोटिन ये एरिथ्रोपोयटिन स्टिमुलेट करता है आपकी बोन मैरो को इट स्टिमुलेट्स योर रेड बोन मैरो और ये रेड बोन मैरो क्या करती है आर बी सी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगी इट विल इंक्रीज आर बी सी प्रोडक्शन दैट इज एरिथ्रोपोस एग्जैक्टलियर ये टर्म सारी हम पहले पढ़ चुके हैं इट विल इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन ठीक है सो दट इज वाई देर फो एट हायर एल्टीट्यूड एट हायर एल्टीट्यूड आरबीसी काउंट इंक्रीजेस आरबीसी काउंट इंक्रीजेस उनकी चीक्स रेड हो जाती है बट उसके लिए आपको कम से कम वहां तीन महीने रहना पड़ेगा इज दैट क्लियर ठीक है इसको कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन की आप एक नए इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे आपकी बॉडी अडेप्ट करती है क्लियर तो ये भी एक रोल है किडनी का कि वो ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है बट दिस रिक्वायर्स एटलीस्ट थ्री मंथ थ्री टू सिक्स मंथस फाइन एट अटर एटीट्यूड आरबीसी काउंट इंक्रीजेस नॉर्मली कितना होता है हमारा फोर पॉइंट फोर से फोर पॉइंट फाइव मिलियन तक होता है फीमेल्स में और मेल्स में फाइव से फाइव पॉइंट फाइव मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब है ना सो वो फोर या फाइव से पहुंच के हो जाता है एट मिलियन तक पर मिलीमीटर क्यूब इज दैट क्लियर गाइज सो दिस इज वन इंटरेस्टिंग रोल ऑफ किडनी इन द ब्लड फॉर्मेशन इज वेल सो गाइज दैट इज ऑल

प्रिंट सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इज अ की वर्ड देखो मिक्टिशन इज कैर बायफ्लेक्स अभी पढ़ के हटे मिक्टन रिफ्लेक्स से होता है ट्रू एडीएच हेल्प इन द वॉटर इलेमिनेशन मेकिंग द यूरन हाइपोटोनिक एडीएच वाटर का इलेमिनेशन नहीं करवाता रिटेंशन करवाता है री एब्सॉर्बेशन करवाता है ठीक है और उसकी वजह से यूरिन हमारा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा हाइपरटोनिक होता है सो दिस इज 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 फॉल्स आंसर बी ठीक है बाकी भी देख लेते हैं प्रोटीन फ्री फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा इनटू द वोमेंस कैप्सूल कल हमने पढ़ा था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान सब कुछ निकल रहा है सिर्फ प्रोटीन्स नहीं निकल रहे और आपके आरबीसी नहीं निकल रहे राइट right? तो गाइज प्रोटीन्स क्यों नहीं निकलते थे हमने देखा एक तो स्ट्रक्चर बड़ा है प्रोटीन का और दूसरा इंटरेस्टिंगली बेसमेंट uh, मेम्ब्रेन जो होती है ना वो बेसिकली नेगेटिव मेम्ब्रेन होती है क्यों होती है ये हम पढ़ेंगे ठीक है वो एक नेगेटिव है और जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स है दीज आर ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज राइट तो होगा क्या नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो जाएगा प्रोटीन्स निकलेंगे ही नहीं सो प्रोटीन फ्री फिल्टर्ड होता है दिस इज ऑल्सो ट्रू देन

कौन सा मैकेनिज्म है जो यूरिन को डाइल्यूट कर रहा है या फिर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है क्या करता है स्पेशल मैकेनिज्म कौन सा है इसका काउंटर करंट मैकेनिज्म इन द लूप ऑफ हेनले लूपे एंडारेक्टा सो बेसिकली वो उसको कॉन्सेंट्रेट करेगा अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ देखो अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है ठीक है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने पे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है इट विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ Not रिलीज ठीक है ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या रिलीज नहीं हो रहा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो एडीएच डेफिनेटली बनेगा रेनन बनेगा एल्डोस्टेरोन बनेगा कौन सा नहीं बनेगा ए एन एफ वैसे भी अगर आपको बाय चांस नहीं आता तो तुम्हें पता है कि रास इन सबके साथ मिलकर काम करता है तो तीनों की एक कम आ, एक क्या कहते हैं जोड़ी है है ना तीनों एक ती, जोड़ी नहीं सॉरी तिगड़ी है लेकिन ए एन एफ बिल्कुल ही अलग है तो आप ऑर्डर वन आउट करके भी सॉल्व कर सकते हो सो आंसर इज सी एग्जैक्ट क्लियर सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम री एंड एन इट टी फोर्टीन का क्वेश्चन है रीअब्जॉर््शन किसका इंक्रीज सोडियम का एंड डीसी टी कौन इंक्रीज करवाता है तो डिक्रीज इन एडीएच Increase in aldosterone, decrease in aldosterone, or increase in ADH? So, guys, this is a simple question. Hai. So, I want you to let me know the answer in the comment section, and I do go through your answers regularly. Okay? Alright. So, that is all for today. Also, I want you to know uh, I am giving you an option. Let me know in the comment section what is the next chapter that you want to study. Do you want me to continue with human physiology and start with next chapter? Or, how many of you want to read about my favorite insect, Cockroach? Let me know in the comment section and I'll see you tomorrow. Till then, have a great day. All the very best.